sand at 1 degree. दिल्ली ने कड़ाके की सर्दी और भयंकर कोहरे के साथ नए साल का स्वागत किया है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान ऐसा गोता मारा कि 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के साथ घने कोहरे ने सुबह लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली पर सर्दी का सबसे बड़ा हमला। एक 1.1 डिग्री पर पहुंचा पारा। 14 साल का सबसे सर्द दिन। कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे का हमला। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। सड़कें गुम, इमारतें गुम, गली मोहल्ला सब गुम। नए साल में गुम हो गई दिल्ली। 2021 की पहली सुबह कुछ ऐसी होगी, इसकी भविष्यवाणी तो मौसम विभाग पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन दिल्ली वालों ने सोचा नहीं था कि वाकई पहली जनवरी की सुबह ऐसी होगी कि सब कुछ गुम हो जाएगा। जिन लोगों को घर से निकलने की मजबूरी थी, उनके लिए ये किसी खौफनाक अनुभव से कम नहीं था। कहीं कहीं विजिबिलिटी शून्य तक हो गई थी। ऐसे में हाईवे पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं होता। और मुझे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा। भोकल से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे ही यमुना पुल से पीछे आया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ से भी गाड़ी चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जाना कहाँ? मुझे गीता कॉलोनी जाना है अपनी शॉप पे। अच्छा, इतना फॉग इससे पहले कब देखा आपने? अभी नहीं देखा, बहुत कम देखा, अब ज्यादा हो गया। दिल्ली की सुबह की 5 तस्वीरें देखिए। जगह अलग अलग लेकिन तस्वीरें एक जैसी। राजघाट, आईपी एक्सटेंशन, मुंडका, गोकुलपुरी और यमुना बैंक, हर तस्वीर में कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। दूर की छोड़िए, पास तक देखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो धुंध की चादर जो है वो पूरी तरह से लिपटी हुई है। अधिकांश रूप से अगर कहा जाए खुले इलाकों के अंदर विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त जो है वो जीरो विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का इलाका हो, अलीपुर हो, इन तमाम इलाकों में। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज की गई है। और दिल्ली की ही नहीं बल्कि राजधानी के आसपास के इलाके भी धुंध की समस्या से जूझते नजर आए। ग्रेटर नोएडा का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि कैमरे के आगे सफेद चादर रख दी गई हो। डीएनडी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल भी बुरा नजर आया। घने कोहरे ने सड़क पर निकले लोगों का बुरा हाल कर दिया। इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा है, पीछे से आया हूँ और मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी अभी मतलब कि एक गाड़ी में टक्कर भी लग जाती, इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है डीएनडी एक्सप्रेस हाईवे पे। सर ऐसी परिस्थिति में तो इतनी मतलब परेशानी है, मतलब कुछ दिखेगा नहीं तो बंदे आगे भी नहीं जा पाएंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना मतलब कोहरा पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। गाड़ी भी बहुत मंदी चलानी पड़ रही है इसी वजह से। लेकिन कोहरा तो कड़ाके की सर्दी के साथ सौगात बनकर आया था, असली मुश्किल तो गिरते पारे की वजह से पैदा हुई। दिल्ली में पारे ने इतना नीचे गोता लगाया कि 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में साल के पहले दिन न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 14 साल पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली में पारा 0.2 पर गिर गया था। उसके बाद कभी इतना जाड़ा नहीं पड़ा। पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 तक ही पहुँचा था। दिल्ली में सर्दी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है।
18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सबसे कम अधिकतम तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले महीने दिल्ली में औसतन न्यूनतम तापमान 15 साल का दूसरा सबसे कम था। दिसंबर में न्यूनतम तापमान का औसत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि पिछले साल दिसंबर में ये 7.6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि कल से मौसम में सुधार होगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल से 6 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग ने 4-5 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री के इजाफे का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 3 से 5 जनवरी के बीच दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। चलिए, ये तो राहत की बात है कि कल से मौसम में सुधार हो सकता है, लेकिन आज की सुबह दिल्ली वालों को लंबे समय तक याद रहेगी। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों में नए साल का सर्द आगाज हुआ है। तमाम पहाड़ी सूबे इस वक्त बर्फस्तान में तब्दील हो चुके हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। कई पहाड़ी शहरों में पारा शून्य से नीचे है। पहाड़ों में नए साल का पूरा हफ्ता सर्दी और बर्फबारी के नाम ही रहेगा। नए साल का सूरज मैदानों में कुछ सहम सहम कर उगा, लेकिन पहाड़ों में उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पहाड़ी सूबे बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। नए साल की पहली सुबह पहाड़ों में बर्फ और सर्दी के नाम रही। हर तरफ सफेद चादर, प्रकृति ने मानो बर्फ से अपना जी भर कर श्रृंगार किया हो। क्या धरती की जन्नत कश्मीर और क्या हिमाचल उत्तराखंड, हर जगह बर्फ का राज है। लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में दर्जनों जगहों पर पारा शून्य से नीचे है। कश्मीर में बर्फबारी ने सबसे ज्यादा असर दिखाया। ये गुलमर्ग की तस्वीर है। इस खूबसूरत कस्बे के चप्पे चप्पे पर सफेद चादर बिछी है। श्रीनगर में भी यही हाल है। कई दिनों की बर्फबारी का सिलसिला अब तक जारी है। कारें बर्फ से ढक गई हैं। पेड़ों के पत्ते पत्ते पर बर्फ चस्पा है। पहाड़ों की बर्फ से गलबैया सैलानियों को भी भा रही है। बर्फ ने हिमाचल को भी सराबोर कर दिया। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली और मंडी, हर शहर में बर्फ बिछी है। जम्मू के करीब पटनी टॉप में भी बर्फ जमी है। अगर बर्फ के बीच ये अलाव ना हो तो इन सैलानियों की कुल्फी जम जाए। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली का हाल देखिए। -4 के पारे में भला पानी की क्या बिसात। औली से लेकर जोशीमठ तक पानी जम गया है। पानी की बूंद बूंद बर्फ में तब्दील हो चुकी है। नदी नाले यहां पूरी तरह से जम चुके हैं, लेकिन औली आए पर्यटक खुश हैं। हिमाचल के चंबा में भी जमकर बर्फबारी हुई। डलहौजी में पारा शून्य से नीचे है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। यहां चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। मंडी के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। खेतों में पड़ी पत्तियों पर सफेद चांदी जैसी बर्फ बिछी हुई है। बर्फ ने अगर सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है तो कई जगह आफत भी आई है। द्रास जा रहे 300 सैलानी बर्फ के बीच फंस गए। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बीआरओ ने इनको बचाया। बर्फ और सर्दी के साथ साल का आगाज हुआ है और लगता है कि नए साल का पहला हफ्ता अभी कड़ाके की सर्दी और बर्फ के नाम ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
एक तरफ कड़ाके की सर्दी और दूसरी तरफ घना कोहरा, मौसम का ये कॉकटेल दिल्ली से पंजाब तक और हरियाणा से राजस्थान तक लोगों को परेशान कर रहा है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हाल, देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है। अगर आप कोहरे में वाहन चलाते हैं तो ये खबर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको सावधान करने के लिए है, कोहरे में गाड़ी चलाएं तो आंख, कान और दिमाग सबको एक्टिव रखें। हादसे की ये तस्वीर बागपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की है। घने कोहरे में करीब 18 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गयी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े ट्रक से टकराने पर इस कार का क्या हाल हुआ है। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आ रहे थे तो रात में, मतलब कई सारे ट्रक एक्सीडेंट हो रखा था, तो हम लोग जब तो डीपर को चल रहा था तो उसी में हमारी गाड़ी भी लग गई थी। गाड़ी किस कारण एक्सीडेंट हुआ, कोहरा था क्या? कोहरा था तो कोहरे में कुछ भी दिखा नहीं। अमृतसर में कोहरे का हाल देखिए, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाए। बड़ी तादाद में लोग सचखंड श्री हरमंदिर साहिब मत्था टेकने पहुंचे। आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे दर्शन करने वास्ते आए हैं, धुंध होने के बावजूद भी एक चंगी शुरुआत हो सके और चंगे लिए चंगा रास्ता जिहड़ा वा ओह सानू अपॉर्चुनिटी लभ सके। आने वाले को कोई रास्ता नहीं है, धुंध तो क्या जो मर्जी हो जाए, जिनके लिए दिल में विश्वास है परमात्मा के लिए धुंध तो कुछ भी नहीं है। साल के पहले ही दिन सर्दी और कोहरे की दोहरी मार ने पटियाला के लोगों को हिलाकर रख दिया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई। पटियाला चंडीगढ़ रोड पर सुबह करीब 9:30 बजे की तस्वीर देखिए, पास में खड़े इंसान को भी देखना मुश्किल हो रहा है। धुंध तो जी देख के लगता कि बस हद हो गया ठंड दी जी, जो धुंध नाल सानू मुसीबत आ रहे ने, आई चलाई दियां कम कार दियां बहुत ज्यादा सानू मुसीबत दा सामना करना पै रहा है। पंजाब की तरह हरियाणा भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। अम्बाला में भी सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए आज की सुबह बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण साबित हुई। लोगों की हिम्मत ने जब जवाब दे दिया तो वो सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर कोहरा छटने का इंतजार करने लगे। कई लोगों ने कोहरे में रास्ता भटकने की भी शिकायत की। आज तक ब्यूरो।